होता क्या है, मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है लोअर यूरिनरी ट्रैक का। लोअर यूरिनरी ट्रैक में क्या आता है, हमारा ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, उसकी हम स्टडी करते हैं आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया। कंट्रास्ट मीडिया का इंजेक्शन देने के बाद हम जो एग्जामिनेशन करते हैं यूरिनरी ट्रैक का, लोअर यूरिनरी ट्रैक का, उसे बोलते हैं हम मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम। अब MCU को हम क्यों परफॉर्म करते हैं, हम उसको परफॉर्म करते हैं वैसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स को देखने के लिए। वैसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है जब क्या होता है यूरिन क्या करेगा, ब्लैडर से जाएगा हमारा किडनी की तरफ, ब्लैडर से मूव करता है किडनी की तरफ, दैट मीन्स कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उसको हम बोलते हैं वैसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। इसके बाद आती है हमारी एनाटमी। एनाटमी में क्या आएगा, हमारा यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। हम यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा में वैसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स देखने के लिए कर रहे, तो एनाटमी हम इसके लिखेंगे, एनाटमी हम ज़्यादा ब्रीफ नहीं देखेंगे। इसके बाद आती है इंडिकेशन। अब हम किस चीज़ को इवेल्यूएट करने के लिए MCU को परफॉर्म करते हैं, MCU जो हम परफॉर्म करते हैं मोस्टली हम क्या करते हैं, इसे परफॉर्म करते हैं चिल्ड्रंस में। तो चिल्ड्रंस में क्या होगी इसकी इंडिकेशंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन UTI, दैट मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और क्या हो सकती है, वाइडिंग डिफ़िकल्टीज लाइक हमारे क्या हो गया, डाइसूरिया। डाइसूरिया का मतलब होता है कि यूरिन पास करते हुए पेन होना। पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा कि जब वो यूरिन पास कर रहा है तो उन्हें क्या हो रहा है, पेन फील हो रहा है। थिन स्ट्रीम दैट मीन्स कि यूरिन क्या है, प्रॉपर फ्लो में नहीं है, उसे क्या बोलते हैं हम, थिन स्ट्रीम। अदर इंडिकेशन जो होती है इसकी, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन मतलब कि पेशेंट क्या करेगा, कंप्लेन करेगा कि उन्हें क्या हो रहा है, जब यूरिन पास करे तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, ड्रॉप करके वो यूरिन पास कर रहे हैं। फिर आता है वैसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स, दैट मीन्स कि जो यूरिन है ब्लैडर से कहाँ जा रहा है, किडनी की तरफ, उसे कहते हैं वैसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स। अब आती है इसमें कंजेनाइटल एनोमलीज। कंजेनाइटल एनोमलीज में लाइक हमारा क्या हो गया, मेनिंजो माइलोसील क्या होता है, एक कंडीशन है जिसमें क्या होती है, जो स्पाइनल कैनाल होती है, स्पाइनल कैनाल क्या करेगी, अपनी पोजीशन से क्या हो जाएगी, एंटीरियरली डिसलोकेट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो हमारा ब्लैडर है उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, उसे कहते हैं मेनिंजो माइलोसील। स्पाइन कैनाल क्या होगी, स्पाइनल कैनाल अपनी पोजीशन से एंटीरियरली क्या हो जाएगी, डिसलोकेट हो जाएगी, जो क्या कर सकती है, एबनॉर्मलीज क्रिएट कर सकती है ब्लैडर में, उसको बोलते हैं मेनिंजो माइलोसील। सेक्रल एजेंसी है, ये क्या होती है, एक कंडीशन है जो फीटल डेवलपमेंट होगा स्पाइन का, वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल। अब इंडिकेशन आती है एडल्ट्स में, ये तो थी हमारी चिल्ड्रंस में जो होती है। एडल्ट में क्या होगा, हमारा ट्रॉमा हो सकता है, हेमेचूरिया दैट मीन्स कि ब्लड आना यूरिन के साथ, लोअर यूरिनरी ट्रैक सर्जरी हो गई। उसके बाद ये एडल्ट में क्या होगा, ट्रॉमा हो गया। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, कि नैरोविंग हो जाएगी, नैरोविंग उसको बोलते हैं यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। यूरेथ्रा में क्या हो गई, नैरोविंग हो गई, UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। रिफ्लेक्स न्यूरोपैथी भी हम किसको बोलते हैं, वैसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स न्यूरोपैथी। दैट मीन्स जो यूरिन है कहाँ जा रहा है, ब्लैडर से किडनी की तरफ, उसे कहेंगे हम रिफ्लेक्स न्यूरोपैथी। उसके बाद आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किन केसेस में हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो MCU हम किस प्रोसीजर में परफॉर्म नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी, कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो उनका नहीं करेंगे, कोई रिसेंट सर्जरी हुई हो यूरिनरी ट्रैक की, या कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी, उन पेशेंट में हम नहीं करेंगे। देन उसके बाद आता है कि हम कंट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज़ करते हैं। जो कंट्रास्ट मीडिया हम यूज़ करेंगे, वाटर सॉल्युबल नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया का यूज़ करते हैं, जो कौन सा होंगे, हमारे ओमनीपैक एंड VCPAC, हम इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं MCU के लिए। इक्विपमेंट्स कौन से यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट जो हमारे होते हैं, फर्स्ट हमारा फ्लोरोस्कोपी यूनिट, किडनी ट्रे, कॉटन एंड ग्लव्स, नट्स एंड पेनाइल क्लैम को हम यूज़ करते हैं पेनिस को होल्ड करने के लिए, या प्रेशर अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैथेटर हो गया, लिग्नोकाइन जेल का हम यूज़ करते हैं, क्या होता है, एक जेली होती है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। सिरिंज,
बीटाडीन एंड नॉर्मल सलाइन। ये क्या थे हमारे इक्विपमेंट। इसके बाद आती है पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में क्या करेंगे हम, पेशेंट को कहेंगे लो रेजिडुअल डाइट लेनी है। एक दिन पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को लक्सेटिव देते हैं बाउल प्रिपरेशन के लिए। लक्सेटिव में क्या देंगे हम, डेल्कोलेक्स एंड गैसेक्स। डेल्कोलेक्स क्या करेगा, हमारा फीकल मेटल को रिमूव करेगा, एंड गैसेक्स क्या करेगी, गैस को रिमूव करेगी। पेशेंट की KFT रिपोर्ट चेक करेंगे, पेशेंट को कंसेंट फॉर्म के बारे में बताएंगे, एंड उनसे साइन करवाएंगे कंसेंट फॉर्म। उसके बाद क्या करेंगे, द डे ऑफ प्रोसीजर, जिस दिन प्रोसीजर होगा हम उस दिन क्या करेंगे, स्काउट फिल्म लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, स्काउट। देन उसके बाद आता है हमारा प्रोसीजर एंड टेक्निक। जब हमने प्रोसीजर एंड टेक्निक का क्या यूज़ किया, हम इसमें क्या करते हैं, कैथेटर को क्या करेंगे, इंसर्ट करते हैं कहाँ पर, ब्लैडर में, वाया यूरेथ्रा से हम इंसर्ट करेंगे, कहाँ पर करेंगे, ब्लैडर में। गर्ल्स में हम देखेंगे, अब गर्ल्स में कैसे प्रोसीजर करते हैं, गर्ल्स में पहले क्या करेंगे, इनिशियल इंस्पेक्शन करेंगे हम, किस चीज़ का, पेरिनियम, आइडेंटिफाई करने के लिए कोई जेनाइटल एबनॉर्मिटीज़ तो नहीं है, पहले हम वो चेक करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। कैथेटर इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, जब वो एंटर कर जाएगा कैथेटर ब्लैडर में, तो क्या होगा, कुछ अमाउंट वहाँ से यूरिन फ्लो होगा कैथेटर में। अगर वहाँ पर यूरिन फ्लो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कैथेटर को एडवांस करेंगे जब तक क्या होगा, हमें यूरिन नहीं मिलेगा कैथेटर में। अगर तभी ये नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या करना पड़ता है, कुछ केसेस में हमें सुप्रा प्यूबिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, यूरिन, कुछ अमाउंट यूरिन आता है ब्लड उसमें कैथेटर में। फिर आती है इन मेल्स। मेल्स में क्या करेंगे हम, फॉर स्किन को रिट्रैक्ट करेंगे, और एक स्किन रिट्रैक्ट करेंगे, देन कैथेटर को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करते हैं। कैथेटर को हम क्या कर देंगे, लुब्रिकेट कर देंगे जेली के साथ, जो लिग्नोकाइन जेली होती है, हम उसके साथ क्या करेंगे, इसको लुब्रिकेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे स्लोली, जो हमारा वो पेनिस है उसको हम होल्ड करेंगे किस पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में, जब तक क्या होगा, वाइडिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी किस में, कैथेटर में। ये तो थी हमारी चिल्ड्रंस में हम कैसे करते हैं। अब अगर कुछ केसेस में कभी क्या होता है, एडल्ट मेल में भी करना पड़ता है, तो क्या करते हैं हम, रेस्ट ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, हमारा सेम होता है, बस हम वहाँ पर एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं चॉक सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी। अब चॉक सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, नट्स एंड पेनाइल क्लैंप से क्या करेंगे, पेनिस को हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, डिस्टल पार्ट जो होगा पेनिस का उसको होल्ड करेंगे, एंड प्रेशर अप्लाई करते हैं, एंड पेशेंट को क्या करेंगे, वाइडिंग करने के लिए कहेंगे अगेंस्ट द प्रेशर, उसको ही हम क्या बोलते हैं, सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी। उसके बाद आती है फिल्मिंग। अब हम फिल्मिंग कैसे लेंगे, हाँ एक और चीज़, जब हमने कैथेटर इंसर्ट कर दिया, अब हमें क्या करना होता है, कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करना है। कंट्रास्ट मीडिया हम कैसे करते हैं, चिल्ड्रंस में क्या करेंगे, चिल्ड्रंस में हम जो दैट मीन्स 2 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें हम ब्लैडर कैसे फिल करते हैं, हैंड इंजेक्शन से, हैंड इंजेक्शन कनेक्ट करेंगे कैथेटर से, एंड इंजेक्ट करेंगे कंट्रास्ट मीडिया। एंड ओल्डर चिल्ड्रन में क्या करते हैं, हम बॉटल को क्या करते हैं, एलिवेट कर देते हैं हम टेबल पे, टॉप जो का टेबल का वहाँ पर एलिवेट कर देंगे, एंड देन फिल करेंगे। फिर आती है फिल्मिंग। फर्स्ट क्या लेंगे हम, प्लेन फिल्म, जिसको हम क्या कहते हैं, स्काउट भी कहते हैं। उसके बाद लेंगे हम फ्रंटल फिल्म। फ्रंटल फिल्म लेंगे जब हमारी क्या हो जाएगी, फिलिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड में एक फ्रंटल फिल्म लेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, फ्लोरोस्कोपी में इवेल्यूएशन, दैट मीन्स कि हम फ्लोरोस्कोपी में देखेंगे कि कोई वहाँ पर रिफ्लेक्स सीन हो रहा हो तो वो देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, बोथ ऑब्लिक ले लेंगे हम, दोनों साइड से लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक एंड राइट एंटीरियर ऑब्लिक फिल्म ले लेते हैं। उसके बाद एंड देन लास्ट में क्या करेंगे, वाइडिंग करने के बाद हम फ्रंटल फिल्म ले लेते हैं। अगर हमें क्या होगा, वहाँ पे रिफ्लेक्स सीन होता है, तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड से क्या करेंगे, हम ऑब्लिक फिल्म लेते हैं। ऑब्लिक फिल्म लेने से क्या होगा, जो वहाँ पे जिस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है, उस कंडीशन को हम देख पाएंगे अच्छे से, एंड जो हमारी
अगर हमें वहाँ पे क्या होगा, कोई रिफ्लेक्स सीन नहीं होता तो हम फ्रंटल फिन लेते हैं डायरेक्ट। फिर उसके बाद आती है कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, इन्फेक्शन, कंट्रास्ट मीडिया से एलर्जी, एंड टेक्निक की वजह से क्या हो सकता है, ट्रॉमा। ये क्या थी हमारी कॉम्प्लिकेशंस।